Hey guys, welcome back to Sunny Side Up. Subscribe and press bell icon for notifications to keep your sunny side up. Hello friends, आज हम बनाएंगे समा के कटलेट. खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और साथ में बनाएंगे मसाला डोसा. तो ये दोनों चीजें जो हैं सिर्फ दो चीजों से ही बनती हैं और झटपट बन जाती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमें यहाँ लगेगा एक कप समा राइस, जिसे भागर भी बोलते हैं महाराष्ट्र में. तो इसे हमें दो घंटे के लिए सोक करके रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए. एक कप समा राइस में आपका मसाला डोसा भी बन जाएगा और कटलेट भी बन जाएंगे. एक बंदे का काम अच्छे से हो जाएगा. तो अभी दो घंटे हो चुके हैं तो हमने इसमें 1/4 कप ही पानी लिया है ताकि जो हमारा बैटर है बहुत अच्छा बने. जैसे ग्राइंड करने के बाद देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है. आपको इसको इतना पतला ही रखना है, अदरवाइज आपके कटलेट जो है वो नहीं बनेंगे अच्छे से. तो चलिए पहले कटलेट बना लेते हैं. तो मैंने यहाँ लिए हैं 2 बॉयल पटेटोज. इनको अच्छे से आप मैश कर लीजिए. आप इन्हें हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप मैशर की हेल्प से इसे मैश कर सकते हैं. मैश करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप बैटर. हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज हमारे कटलेट है वो नहीं बनेंगे. इतने में हमारे 4 कटलेट जो हैं आराम से बन जाएंगे. अगर आप ज़्यादा कटलेट्स बनाना चाहते हैं तो जो हमने क्वांटिटी ली है उसको आप डबल या ट्रिपल कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग. तो देखिए इतना हमें थिक रखना है ताकि जो कटलेट है वो अच्छे से बाइंड हो जाएं. तो ये रेसिपी हमारी व्रत की रेसिपी है यानी फास्ट की. तो हमने इसमें रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक डाला है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाली है, मिर्ची डाली है और धनिया पत्ता डाला है. इससे टेस्ट जो है इसका और भी बढ़ जाता है. और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जो फास्ट में सामान लगता है वही सब मैंने डाला है. तो चलिए अभी कटलेट बना लेते हैं. समा के कटलेट एकदम रेडी हैं बन के. देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये हार्ट शेप में. आप चाहें तो इन्हें नॉर्मल राउंड शेप में भी बना सकते हैं. मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं, मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ. तो पहले हमें क्या करना है, पाम पे थोड़ा सा घी लेना है. इससे क्या होगा, जो ये स्टफिंग है वो चिपकेगी नहीं और अच्छे से आप इसको कटलेट बना सकते हैं. दोनों हाथ में रब कर लीजिए और थोड़ी सी पिट्ठी जो है वो अपने हाथ पे ले लीजिए और उसको ऐसे रोटेट करते करते एक राउंड शेप में कर लीजिए. आपको इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखिएगा, तभी जो है आपका कटलेट बहुत अच्छा बनेगा. अभी प्रॉपर राउंड शेप में हो गया है. अभी हम इसको हार्ट शेप देने के लिए ऊपर की साइड से नीचे की तरफ पुश करेंगे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे और ऐसे एक हार्ट शेप दे देंगे. तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से हार्ट शेप बना लेंगे. जिसके पास सांचा है वो सांचे से भी बना सकते हैं, मैंने हाथ से ही बना लिया. देखिए कितना प्रिटी लग रहा है. तो अभी हम इनको रोस्ट कर लेंगे. मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा घी स्प्रेड किया है क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है तो हम घी कम यूज़ करेंगे. और इसमें सारे कटलेट्स डाल देंगे और उसके ऊपर भी बहुत हल्का हल्का सा घी लगाएंगे ताकि जब हम उनको फ्लिप करें तो वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे. कटलेट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इन्हें धीरे धीरे ही करके फ्लिप करना है ताकि ये टूटे नहीं. इन्हें अच्छे से प्रेस करके सेकिएगा. उससे क्या होगा, जो ये अंदर से आलू हैं और जो समा राइस है वो अच्छे से पक जाएंगे और जब आप उन्हें खाएंगे तो आपको वो कच्चा नहीं लगेगा. तो हमारे सारे कटलेट्स रेडी हैं तो इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं. देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मन कर रहा है एकदम अभी खा लेने, इतने डिलीशियस बने. आप प्लीज ट्राई कीजिए और अगर आप दही के साथ खाएंगे तो ये आपको और टेस्टी लगेंगे. तो अभी हम बनाएंगे मसाला डोसे का मसाला. तो हमने लिया है यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून घी, उसमें डालेंगे 1 TSP क्यूमिन सीड्स और अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे. जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तब उसके अंदर हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे. तो डरिए मत, ये फास्ट में भी खा सकते हैं. अगर आप नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं. हमने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली और डालेंगे कोरिएंडर लीव्स. इस टाइम हमने कोरिएंडर लीव्स इसलिए डाला है कि इसका जो टेस्ट है वो और एनहेंस हो जाता है. और डाल देंगे इसमें बॉइल्ड पटेटोज, हमने इन्हें कट किया है. अच्छे से इन्हें फ्राई कर लीजिए ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए. लास्ट में हम डालेंगे इसमें रॉक सॉल्ट एंड ग्रीन चिली, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. और थोड़ा सा इसको हम गार्निश कर लेंगे कोरिएंडर लीव्स से.
अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। तो मसाला एकदम रेडी है, चलिए अब डोसा प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जो डोसे का बैटर है इसमें हमने 1/4 कप ही पानी यूज किया है। आपको इसका कंसिस्टेंसी इतना ही रखना है, ज्यादा मत पतला कीजिएगा, अदरवाइज जो आपका डोसा है वो नहीं बन पाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून रॉक सॉल्ट, क्योंकि जो मसाला है उसमें भी नमक है। इस बैटर को आप इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो 10 मिनट के लिए इसको ढक के भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी डोसा बना लेते हैं। पैन को ज्यादा गर्म मत करिएगा, अदरवाइज आपका बैटर है ना वो एकदम तवे पे चिपक जाएगा और आप उसको अच्छे से सेक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे करके ऐसे रोटेट करते करते आपको बैटर को फैलाना है। ध्यान रखिए बैटर को ज्यादा पतला मत फैलाइएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। जो समर राइस का डोसा होता है वो नॉर्मल डोसे से बहुत अलग होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जब हम डोसा बनाएंगे कि ये थोड़ा थिक ही रहे। इसके ऊपर के साइड में हम घी या ऑयल ब्रश कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सिक्का है हमारा एक साइड से, ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। तो हमारा बैक साइड से भी ये बहुत अच्छा सिक गया है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम अपना और डोसे भी बना लेंगे। तो इसमें हमारे 2 डोसे और 4 कटलेट बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसको आप अच्छे से आलू से खाइए, दही के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस। आप एक बार खाएंगे तो आप सोचेंगे बार बार बनाएं। सिर्फ 2 चीज़ों से बनते हैं, आलू से और समर राइस से। अभी हमें पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जो आलू है और समर राइस है वो इजीली घर पे अवेलेबल रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।